नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज मैं आपको पांच ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो आपके पोर्टफोलियो की शान बढ़ा सकते हैं। ये स्टॉक में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। जैसे कि आपको पता है, मार्केट में हमें एक लंबा दौर हो चुका है। हर दिन हमें यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल संकेत ही पूरा गिरावट का है। लेकिन मैं आपको जो पांच स्टॉक बता रहा हूँ, ये आपकी पोर्टफोलियो का शोभा बढ़ा सकता है, पोर्टफोलियो का शान बढ़ा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिला सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट पर पहले नंबर का स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि पावर एक्सचेंज कंपनी है, जो पावर एक्सचेंज से रिलेटेड ये कंपनी वर्क करती है। जैसे कि इसको कुछ रेगुलेटरी, इस कंपनी को अथॉरिटी मिला हुआ है, जैसे कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC से इसे रेगुलेटरी मिला हुआ है। दोस्तों, अगर हम इसकी मौजूदा भाव की बात करें ना, इसका मौजूदा भाव 204-205 रुपये चल रहा है। लेकिन इसकी 52 वीक हाई की बात करें, इसका 52 वीक हाई लगभग 319 रुपये का है, और 52 वीक लो इसका 95 रुपये का है। तो ये हमें एक अभी अच्छा खासा रेट पे ये कंपनी मिल रहा है। ये कंपनी देखिए, मैं इसको आपको दो तीन वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला तो इस कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। ऊपर से ये कंपनी डेट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो आप इसे देखेंगे, हर क्वार्टर में कंपनी थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। जैसे कि इस क्वार्टर में 78 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ का। तो ये कंपनी उस लिहाज से देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ भी हर छोटे छोटे क्वार्टर में आपको प्रॉफिट कमा के देगी। लेकिन उससे भी बड़ा बात यही कहूँगी दोस्तों, ये जो पावर फैक्टर कंपनी है ना, जो सेक्टर है ना, मैं आपको ये कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कंपनी आपको इजीली, एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर है, तो आपको 500 के ऊपर ही ये कंपनी आने वाले समय में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा पहला रिकमेंडेशन है आप लोगों को IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब दोस्तों, इस लिस्ट पे सेकेंड नंबर का स्टॉक है जो मुझे पर्सनली बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, और मेरा पर्सनली ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, जिस कंपनी का नाम है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, जो कि EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, चाहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह ले, उस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। क्योंकि इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, वो डाइवर्सिफाई है। बैटरीज भी बनाती है, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर में भी इस कंपनी का यूज़ होता है, रिन्यूएबल के सेक्टर में कंपनी सोलर पम्प बनाती है, सोलर मॉड्यूलर बनाती है। तो कुल मिला के कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाई है, और ये कंपनी हमारे इंडिया में तो वर्क करती है, साथ ही साथ 80+ कंट्रीज़ में इसका ग्लोबली प्रेजेंस है, जो कि इस कंपनी को और थोड़ा सा खास बनाती है। इसका मौजूदा भाव 60 रुपये चल रहा है। इस कंपनी का भी 52 वीक हाई लगभग 85 रुपये है, और 52 वीक लो एक कंपनी का 29 रुपये का है। जैसे कि आपको पता है, आने वाला समय पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है, तो ये कंपनी उस सेक्टर से रिलेटेड वर्क करती है। इसलिए ये कंपनी को मैं आप लोगों के सामने रिकमेंड कर रहा हूँ। उसका एक दो रीज़न और है। ये कंपनी, आप छोटा छोटा क्वार्टर देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, ये कंपनी आपको हमेशा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। ऊपर से ये कंपनी डेट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर भी कर्ज ना के बराबर है। इसलिए मेरा सेकेंड नंबर का रिकमेंड कंपनी है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, जो कि आपको एक अच्छा सौदा इस कंपनी में भी मिल सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट पे तीसरे नंबर का स्टॉक है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये अपने सेक्टर में मोनोपोली कंपनी है। हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इस सेक्टर में से 96.48% एक कंपनी का बोलबाला है इस सेक्टर में। मतलब दूसरी कंपनी का 3% शेयर है, इस कंपनी का 97% उस मार्केट में कैप्चर किया हुआ है। एक कंपनी का अगर मैं बात करूं तो मौजूदा भाव लगभग 1300 रुपये चल रहा है। इस कंपनी में भी हमें लगभग 40-50% का करेक्शन देखने को मिला है। ये कंपनी का 52 वीक हाई 2135 रुपये का है, और 52 वीक लो इसका 1286 रुपये का है। तो उस लिहाज से हम इसके फ़ायदेमंद वाला सौदा इसे कह सकते हैं। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया वर्क क्या करती है। तो दोस्तों, जो हमारे हम जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तो ये कंपनी उन सबका
लेखा जोखा रखती है, जैसे कि NSEBC हो गया, तो ये MCX मल्टी एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज, तो ये कंपनी उस पर वर्क करती है। अगर हम इस रेवेन्यू की बात करें तो सिल्वर से 31% का, गोल्ड से 27% का, NG नेचुरल गैस से 13% का, क्रूड ऑयल से 8% का, और निकल से 7% का, कॉपर से 7% का इस कंपनी का हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी भी आपको हमेशा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का प्रॉफिट, इस क्वार्टर में 34 करोड़ का प्रॉफिट, और ऊपर से ये कंपनी डेब्ट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर भी डेब्ट ना के बराबर है। तो ये कंपनी भी मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो कंपनी बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तक आपको तीन कंपनी बताया, अब मैं जो चौथा कंपनी बताने जा रहा हूँ, उम्र ये भी पसंदीदा कंपनी है, लेकिन आप लोग इस कंपनी के बारे में बहुत सा क्वेरी करेंगे, मैं उसका भी आंसर दूंगा आपको। इस कंपनी का नाम है ITC लिमिटेड। दोस्तों ये अपने सेक्टर की मोनोपोली कंपनी है। ITC आप लोग जानते हैं, अब आप लोगों मन में आ रहा होगा कि मार्केट कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये कंपनी पिछले 2-3 साल से 200-250 के भाव में टिकी हुई है। आखिर इसमें क्या हो गया दोस्तों? ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कब दौड़ना, ये कब दौड़ भाग करेगा, आप इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इस कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है। ये जिस सेक्टर की कंपनी है, FMCG में वर्क करती है, कोबेटो में वर्क करती है, एग्री बिजनेस में है, पेपर बोट्स में है, होटल इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन इनका जो मेजरली कंट्रीब्यूट आता है 45% इनका लगभग 45% इसका टोबैको से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मार्केट में जितना भी सीक्रेट बिकती है ना, उसमें से 80% ITC के सीक्रेट बिकते हैं। और ITC कुछ मैं आपको जो मोनोपोली ब्रांड बताता हूँ, सनफीस्ट हो गया, मंगलदीप अगरबत्ती हो गया, आशीर्वाद आटा हो गया, ये सब इसके मोनोपोली ब्रांड है। उसके बावजूद भी ये कंपनी ना पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये कंपनी आने वाले समय में आपको एक एक्स्ट्रा लेवल का, आपको यहाँ से ये कंपनी मल्टीप्लाई करते हुए आपके पैसे को देगी। ये मैं इस कंपनी पे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आपका भी एनालिसिस जरूर होना चाहिए। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और मेरा 5वां नंबर का स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों HDFC कितना बड़ा ब्रांड है, अगर उस ब्रांड के नाम का ये देखेंगे, HDFC ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है, दोस्तों ये कंपनी भी डेप्ट फ्री है, इस कंपनी के ऊपर भी डेप्ट नहीं है। और इस कंपनी में भी हमें करेक्शन देखने को मिला है, जैसे कि और हम HDFC की बात करें ना दोस्तों, ये भी आपको छोटा छोटा प्रॉफिट आपको हमेशा कमा के देगी। HDFC लाइफ की बात कर रहा हूँ, देखिए आपको पोर्टफोलियो में इस कंपनी को भी रखेंगे तो आपको भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा मल्टीप्लाई भी यहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको 5 स्टॉक के बारे में बताया है, ये आपके 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को शान को बढ़ा सकता है।